आज रेसिपी बनाएंगे हम साबूदाना और सेवई का खीर। ये बनाना बहुत आसान है, आप एक बार जरूर ट्राई करना। टाइम भी कम लगा है, बहुत टेस्टी हुआ है, खाने में बहुत लाजवाब होगा। अब एक बार खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। चलिए हम बनाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सेवई और साबूदाना का खीर। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा सेवई लिया है, इसको हम अच्छा से भून लेंगे। इसको हम साइड कर देते हैं। यह है साबूदाना, बस थोड़ी सी साबूदाना ली है, इसको हम साइड कर देते हैं। यह है दूध, दो पैकेट दूध मैंने लिया है, आधा आधा पैकेट का पैकेट है, आधा केजी का, एक केजी दूध है। इसको हम उबाल देते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम एक स्पून घी डाल दिए हैं। इसमें हम सेवई को ऐड कर देते हैं, फिर हम सेवई को भून लेंगे। सेवई भून ले रहे हैं, भुना रहे हैं सेवई, जब तक गोल्डन ना हो जाए तब तक भूनना है। देखिए सेवई भुना रहा है, ये हो चुका है, बस और हम कर लेते हैं। देखिए सेवई भुन आ गई है, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब जब भी भूनना है तो मीडियम फ्लेम, शुरू में मीडियम फ्लेम पर भूनना है, फिर बाद में स्लो करके भूनना है, नहीं तो सेवई एक बराबर नहीं भुनाएगा, कहीं जला हुआ नज़र आएगा, कहीं कच्चा नज़र आएगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पर शुरू में चलाते रहना है, हाथ भी नहीं रखना है, और बाद में स्लो करके भूनना है। कितनी अच्छी भून रही है सेवई, कलर भी कितने अच्छे हो रहे हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे कलर हो रहे हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये भून गई है सेवई। दोस्तों गैस पर हम चढ़ा दिए हैं, जब तक उबाल नहीं आए तब तक हम सेवई नहीं डालेंगे। जब तक हम तब तक के लिए हम जा रहे हैं साबूदाना को चढ़ाने उबालने। ये है साबूदाना, इसको हम पानी में डाल देते हैं। इसको हम डाल करके इसको हम थोड़ा वॉश कर लेते हैं, पानी को छान देंगे। इसको हम धुल लिए हैं अच्छा से, हम इसको पकाएंगे पानी में डाल के। देखिए पानी को हम छान लिए हैं साबूदाना को, उसको पानी को फेंक दिए हैं। अब इसमें हम लिए हैं, ये प्याला है, इससे हम 3.5 प्याला पानी लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी में, फिर हम गैस पे पकाएंगे इसको। देखिए गैस पे हम चढ़ा दिए हैं, ये फुल फ्लेम पर पकाना है, 2 मिनट पकेगा, ज़्यादा देर तक नहीं पकेगा। आप देख सकते हैं सेवई जितना लिए हैं उतना ही क्वांटिटी में ये चीनी लिए हैं, बराबर डालना है दोनों को। दूध उबल चुका है, दूध में उबाल आ गया है, इसमें हम 4 इलायची डाल देते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा इलायची डालने से। इसमें हम सेवई को डाल देते हैं, सेवई डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर पकाना है। यह है साबूदाना, ये पक रहा है, ये पक चुका है, इसको हम निकाल के पानी छान लेते हैं। देखिए साबूदाना को हम छान लेते हैं, पानी अलग कर देंगे, पानी को हटा देंगे, सिर्फ ये दाना डालना है। देखिए हम डाल देते हैं,
ये खीर पक रहा है, इसमें हम डाल के पकाएंगे। ये ड्राई फ्रूट ये हम खीर में डाल देंगे, जस्ट अच्छा होगा। और नारियल भी डालते हैं, आज तो हम नारियल नहीं डालेंगे। देखिए खीर बन रही है, एक मिनट में हम उतार देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। ये गाढ़ी हो गई है, इससे और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये जम जाएगी। बनाना बहुत आसान है, गाढ़ी हो गई है, फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है खीर, बन के रेडी हो गई है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी और जम जाएगी थोड़ा। ड्राई फ्रूट डाल दिए हम, और इसमें हम डाल देंगे काजू, डाल चुके हैं, और गार्निश कर देंगे थोड़ा प्याला में रख के। देखिए हम निकाल लेते हैं बाउल में। फिर हम गार्निश कर देते हैं, बादाम है, काजू है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप ज़रूर बनाना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, एक बार ज़रूर ट्राई करना। समुदाना और सेवई का खीर बहुत परफेक्ट बना है, बनाना बहुत आसान है। अभी एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, बार बार खाना पसंद करेंगे। अभी एक बार ट्राई करके देखना, यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।